दोस्तों, अगर आप अपने बढ़े हुए वज़न को कम करना चाहते हैं और जिस्म में पैदा हो चुकी फालतू चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, साथ ही बढ़े हुए पेट को कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ग़ज़ा और ख़ुराक को बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आप कुछ ऐसी फैट बर्निंग फूड का इस्तेमाल करके अपने वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं और फालतू चर्बी से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकते हैं। मोटापे को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियाँ पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करके आप मोटापे से और जिस्म की फालतू चर्बी से बआसानी निजात पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट के अंदर एंजाइम्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और जिस्म में फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए एनर्जी फ्राहम करते हैं। इस फ्रूट के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपने वज़न को तेज़ी से कम कर सकते हैं, बल्कि शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से भी ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ाना एक ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें। इसके लगातार इस्तेमाल से आप थोड़े वक्त में फालतू चर्बी के मसले को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा अदरक चर्बी को पिघलाने वाले सबसे मुफीद और मौसर फूड्स में शुमार की जाती है। ये आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाकर आपके हाजमे को तेज़ करती है और आपके पेट में पैदा होने वाली बीमारियों को भी ख़त्म करती है। साथ ही ये आपके दौरान खून में भी बेहतरी लाती है। अदरक का इस्तेमाल करके आपके जिस्म की फालतू चर्बी को बआसानी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म में तेज़ी पैदा करती है, जिससे वज़न और फालतू चर्बी को तेज़ी से कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप अदरक की चाय बनाकर इस्तेमाल करें। अगर रोज़ाना एक कप अदरक की चाय का इस्तेमाल किया जाए तो फालतू चर्बी को पिघलाने में बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। इस चाय को बनाने के लिए 1.5 कप पानी के अंदर 2 से 3 अदरक के टुकड़े डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक बॉयल करें। इसके बाद इसमें आधे लीमू का रस निचोड़ कर इसका इस्तेमाल करें और ऐसा आप 1 महीने तक लगातार करें। इस तरह पाइनएप्पल यानी अनानास भी आपके वज़न को कम करने और पेट पर जमा होने वाली चर्बी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स और प्रोटीन बढ़े हुए पेट को कम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी और फाइबर भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसी वजह से पाइनएप्पल का इस्तेमाल आपके वज़न को कम करने और आपको तंदुरुस्त रखने में मददगार होता है। इसके लिए आप रोज़ाना एक अनानास को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करने के साथ साथ आप चिकनाई से परहेज़ करते हुए उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल करें और साथ ही रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें, तो थोड़े ही दिनों में आपको बेहतरीन नतीजे हासिल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।